तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इन फिगर 6.44, तो ये फिगर दिया हुआ है, ठीक है। ये फिगर कौन सा है, 6.44 फिगर की मैंने मेरा बोला, ए बी सी एंड डी बी सी आर टू ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस बी सी। दो ट्रायंगल है, कौन सा, एक ए बी सी है ये वाला ए बी सी और दूसरा कौन सा है डी बी सी, डी बी सी दोनों का बेस क्या है, सेम है बी सी। इस ट्रायंगल के लिए भी बेस कौन सा है बी सी और इस ट्रायंगल के डी बी सी के लिए कौन सा बेस है बी सी। बोला दोनों ट्रायंगल क्या है, सेम बेस पर है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला, इफ़ ए डी इंटरसेक्ट बी सी एट ओ, जो ये क्या कर रहा है, ए डी और बी सी दोनों इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहा है, ओ पॉइंट पे, ठीक है। उसके बाद सो डैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी इक्वल्स टू ए ओ बाय डी ओ, मतलब एरिया का रेशियो निकालना है दोनों ट्रायंगल का, ट्रायंगल कौन सा ए बी सी एंड दूसरा ट्रायंगल कौन सा है डी बी सी, दोनों का जो एरिया का रेशियो है वो किसका इक्वल दिखाना होगा हमको, ए ओ बाय डी ओ के। तो सेम यहाँ पे एरिया का रेशियो निकालना है, ठीक है। तो बताए थे क्या लास्ट क्लास में, एरिया का रेशियो दो तरीके से निकाल सकते हैं, क्या, एक तो पहला तरीका क्या है कि दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल कर क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो उससे भी एरिया का रेशियो निकल जाएगा। नेक्स्ट क्या बोले, क्या बताए थे कि अगर जिस भी ट्रायंगल का एरिया का रेशियो निकालना हो तो क्या करेंगे उसके लिए, कि देखो कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो सकता है या नहीं, अगर सिमिलर हो गया तो क्या होता है, दो एरिया का रेशियो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर का इक्वल होता है, ठीक है। तो दो तरीके से निकाल सकते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो सकता है या नहीं, ठीक है। तो कौन सा दो ट्रायंगल, तो ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी बी सी। तो देखो यहाँ पे ये ट्रायंगल ए बी सी है, दूसरा ये ट्रायंगल कौन सा डी बी सी है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो सकता है या नहीं। तो यहाँ पे देखो एक चीज़, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, ना किसी साइड का दूसरे साइड से कोई रिलेशन है, ठीक है, ना ही कोई एंगल के बारे में दिया हुआ है, कोई कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, तो सिमिलर तो नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, तो एरिया का रेशियो कैसे निकालेंगे, तो बस लास्ट उपाय क्या है मेरा, कि एरिया का फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो सेम बेस बोला तो सेम बेस के लिए काम करेंगे बी सी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ए बी सी ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो बेस कौन सा लेना है बी सी, तो हमको क्या चाहिए, अल्टीट्यूड चाहिए, ठीक है। तो अल्टीट्यूड यहाँ पे क्या करना, ट्रैवल करना होगा, आपको ही बोलेगा क्या ए अल्टीट्यूड होगा, नहीं है ना, यहाँ पे ये 90 नहीं दिया हुआ है ना, 90 दिया होता तो ये अल्टीट्यूड काम करता, लेकिन नहीं दिया हुआ है, तो हम नहीं दिया हुआ है तो कुछ भी एज्यूम नहीं कर सकते अपने मन से, ठीक है। तो क्या करते हैं, वर्टेक्स ए से बी सी पे एक अल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं, ध्यान से देखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, ठीक है। तो ये बी बी आई बी है, तो एक अल्टीट्यूड ड्रॉ किए वर्टेक्स ए से, किस पे, बी सी पे। तो ये क्या मान लो, कुछ भी ए बी सी डी तक हो चुका है, तो ए ई मान लेते हैं, ठीक है, ई, ठीक है, ए ई क्या है, परपेंडिकुलर टू बी सी। दूसरे ट्रायंगल का एरिया निकालना है, उसके लिए भी क्या, सेम बेस काम करना है, कौन सा, बेस बी सी लेना है, तो इसके लिए भी अल्टीट्यूड चाहिए, तो क्या करेंगे, वर्टेक्स डी से क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, किस पे, बी सी पे। तो क्या करते हैं जी, अल्टीट्यूड ड्रॉ किए, कौन सा, डी एफ मान लेते हैं, ठीक है। अब इससे क्या फ़ायदा होगा, कि एरिया का एरिया निकल जाएगा मेरा, क्या होगा, हाफ इंटू बेस कौन सा बी सी, हाइट क्या हो जाएगा मेरा ए ई, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी कितना होगा, हाफ इंटू बेस बी सी और हाइट क्या होगा मेरा डी एफ, ठीक है। तो हाफ इंटू बी सी दोनों में, दोनों में अगर डिवाइड करेंगे तो हाफ और बी सी, बी सी क्या होगा, कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आएगा मेरा ए ई बाय डी एफ आ जाएगा। तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस दोनों ट्रायंगल का जो रेशियो आएगा वो किसके इक्वल आएगा, ए ई बाय डी एफ, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया क्लियर, क्या आया है, दोनों के एरिया का रेशियो ए ई बाय डी एफ आया, ठीक है। अब किसी तरह से ये दोनों का रेशियो अगर इसके इक्वल दिखा दिए तो मेरा काम हो जाएगा, यही तो प्रूफ करना है ना, तो क्या करेंगे। अब देखो ए ओ यहाँ भी है ना, ए ओ यहाँ है और डी ओ यहाँ है, मतलब ये ट्रायंगल में देखो ए ओ भी आ रहा है और ए ई भी आ रहा है, और इस ट्रायंगल में देखो डी ओ भी आ रहा है और डी एफ भी आ रहा है। किसी तरह से अगर ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो क्या हो जाएगा मेरा, क्रॉसपॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है, सेम होता है सिमिलर ट्रायंगल का, तो क्या आएगा ए ई बाय, देखो ना 90 के सामने वाला साइड कौन सा होगा ए ओ, यहाँ पर 90 के सामने साइड कौन सा है डी ओ, तो ए ओ बाय डी ओ इक्वल्स टू क्या आ जाएगा ए ई बाय डी एफ आ जाएगा ना। पहले गिवन क्या वो लिख लेते हैं, यहाँ से देखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। गिवन क्या मेरा ए बी सी एंड दूसरा ट्रायंगल कौन सा डी बी सी,
लाया ऑन द सेम बेस बी सी, ठीक है। और दूसरा क्या बोला, ए डी इंटरसेक्ट कर रहा है बी सी को कहाँ पे, पॉइंट ओ पे। नेक्स्ट देखो प्रूफ क्या करना है, तो टू प्रूफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या था, ड्रॉ, ये कंस्ट्रक्शन क्या क्या, ड्रॉ एल्टीट्यूड्स ए ई एंड डी एफ सच डेट ए ई परपेंडिकुलर टू बी सी एंड डी एफ परपेंडिकुलर टू बी सी, दोनों बी सी ए परपेंडिकुलर है, ये भी और वो भी। अब खुद देख ले इसको, भूल जाना ठीक है, इस वाली लाइन को और इस वाली लाइन को। तो ये ट्रायंगल दिख रहा है ए बी सी, तो इसका एरिया निकाला था क्या होगा, हाफ इंटू बेस, बेस अगर बी सी लेते हैं तो एल्टीट्यूड कौन सा होगा, जो वर्टेक्स बच रहा है वहाँ से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे, तो वो कौन सा मेरा ए ई, तो हाफ इंटू बेस बी सी मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड डेट इज ए। अब प्रूफ करते हैं, तो देखो नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल्स टू क्या होगा मेरा, हाफ इंटू बेस बी सी हो गया मल्टीप्लाई बाय हाइट कौन सा ए, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी हाफ इंटू बेस बी सी, और एल्टीट्यूड क्या होगा मेरा डी एफ, डी एफ इसको वन मान लेते हैं, इसको टू मान लेते हैं। क्या करना है, डिवाइड करना है, रेशियो निकालना है, तो क्या करना होगा हमको, डिवाइड करना होगा ठीक है। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस बी सी मल्टीप्लाई बाय ए डिवाइड बाय हाफ इंटू बी सी मल्टीप्लाई बाय डी एफ, तो ये हाफ अपडेट कैंसिल, बी सी से बी सी कटा, क्या आ गया मेरा ए बाय डी एफ ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी ठीक है, ये किसके इक्वल आ गया मेरा ए बाय डी एफ के, ये ए बाय डी एफ के, इसको क्वेश्चन नंबर थर्ड मान लेते हैं। देखो लेकिन इसके रेशियो किसके इक्वल दिखाना था, ए ओ बाय डी ओ के, तो क्या करना होगा हमको, इसके रेशियो को इक्वल दिखाना होगा इसके ए ओ बाय डी ओ के, जैसे एक रेशियो इक्वल आ गया तो इसके जगह क्या पुट कर देंगे ए ओ बाय डी ओ। तो बता चुके हैं अभी क्या कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या करना है हम लोग, सिमिलर प्रूफ करना है। तो देखो दोनों में एक एंगल 90 डिग्री है, यहाँ भी 90 है यहाँ भी 90 है ठीक है, एक एंगल तो बराबर हो गया। अब दूसरा देखो ये एंगल क्या होगा, इसके बराबर होगा, कैंची बना ना कैंची ठीक है, तो क्या होता है पर्टिकुलर अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है, तो भाई ये एंगल क्या होगा इसके इक्वल हो जाएगा, तो दो एंगल बराबर तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा मेरा, सिमिलर हो जाएगा। बस मेरा काम हो गया, क्या लिखेंगे, डाउन इन ट्रायंगल ए ई ओ एंड ट्रायंगल डी एफ ओ ठीक है, तो क्या लिखेंगे, एंगल ए ई ओ, एंगल ए ई ओ इस इक्वल है किसके, 90 किसके इक्वल है, ये 90 के, तो क्या लिखेंगे डी एफ ओ, एंगल डी एफ ओ क्या लिखेंगे, इच 90 डिग्री। नेक्स्ट एंगल ए ओ ई, ए ओ ई इक्वल होगा इसके डी ओ एफ, ये रीजन क्या डालेंगे, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो क्या हो जाएगा बाय ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा मेरा ट्रायंगल ए ई ओ सिमिलर टू ट्रायंगल डी एफ ओ, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ठीक है। तो क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया, ए ई ओ सिमिलर टू ट्रायंगल डी एफ ओ। अब जैसे दो ट्रायंगल सिमिलर हुआ तो क्या क्या होगा, उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा मेरा, सेम हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे ए ई बाय डी एफ
ठीक है, तो ए बार डी एफ इक्वल हो गया इसके। देखो हमको ए और डी ओ से काम है ना, तो ए ओ डिवाइड बाय किसके होगा, डी ओ के, तो ए ओ डिवाइड बाय डी ओ, ठीक है। तो ये रेशियो इक्वल आ गया, ठीक है, तो अब मेरा काम हो गया। और क्या, तो ए ई बाई डी एफ इक्वल्स टू क्या पुट कर देंगे, ए ओ बाई डी ओ, है ना। तो देयरफॉर फ्रॉम थर्ड एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी, रेशियो किसके इक्वल आ गया, ए ई बाय डी एफ, और ए ई बाई डी एफ किसके इक्वल है, ए ओ बाय डी ओ के। तो क्या ले देंगे, ए ओ बाय डी ओ, ये हो गया मेरा हेंस प्रूव्ड, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और बहुत ही आसान भी क्वेश्चन था, ठीक है।